इन द नेम ऑफ अल्लाह हुज़ अ मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिशेंट वेलकम टू किप्स एजुकेशनल अपडेट्स एंड आई एम आसिफ जावेद स्टूडेंट्स हमारी कोशिश है कि किप्स के इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ हर उस इदारे की इन्फॉमेसन शेयर की जाए जिसमें आप अपने डिज़ायर डिसप्लिन में एडमिशन ले सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं इन दिस कॉन्टेक्स आई एम गोइंग टू शेयर द डिटेल ऑफ फ़ज़ाया मेडिकल कॉलेज फॉर द स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू प्री मेडिकल मैं बताता चलूँ कि फ़जाइया मेडिकल कॉलेज एयर यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट है एंड दिस कॉलेज इज लोकेटेड इन द प्रेमसिस ऑफ एयर यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें कि कौन से प्रोग्राम हैं जो फजाइब मेडिकल कॉलेज ऑफर करता है तो डियर स्टूडेंट दर इज़ ऑनली वन प्रोग्राम जो कि ऑफ़र किया जा रहा है और वह है एम बी बी एस हम सब जानते हैं कि मेडिकल से ताल्लुक रखने वाले तमाम तलबा तलबात की पहली तरजीह एम बी बी एस में एडमिशन ही होती है तो इस हवाले से इस कॉलेज की अहमियत अपनी जगह मौजूद है अगर हम बात करें कि कितनी सीट्स हैं जो फ़जाइया मेडिकल कॉलेज में ऑफ़र की जा रही हैं तो रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स हंड्रेड सीट्स हैं जो हर साल इस कॉलेज में ऑफ़र की जाती हैं एंड नाउ हु इज़ दी टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी जो कि आपके लिए इन सीट्स पे एडमिशन को सिक्योर करने के लिए आपको उसका टेस्ट लास्ट में अटैम्प्ट करना होगा एंड डैट टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी इज़ नम्स नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज हाँ आपको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज का टेस्ट पास करके ही फज़ा मेडिकल कॉलेज में उनकी हंड्रेड सीट्स पर एडमिशन मिल सकता है और अगर हम इसके टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स आपको इसके टेस्ट फॉर्म में बायोलॉजी के एटी एम सी क्यूज़ केमिस्ट्री के सिक्सटी एम सी क्यूज़ फिजिक्स के फोर्टी एम सी क्यूज़ और इंग्लिश के ट्वेंटी एम सी क्यूज़ मिलेंगे यानी टोटल टू हंड्रेड एम सी क्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आपको वन फिफ्टी मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इसके टोटल मार्क्स 200 हंड्रेड हैं और खास बात यह है कि इसमें किसी किस्म की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर हम मेरिट क्राइटेरिया की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स इसमें मैट्रिक की कोई वेटेज शामिल नहीं है इसके साथ साथ एफ की 50 परसेंट वेटेज है और नम्स नर्म्स एमडिकेट की 50 परसेंट वेटेज है डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जिसकी बेस पर आप फजाया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के अहल हो सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन मेरिट सीट्स की अगर आप ओपन मेरिट सीट्स पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो बशमूल गिलगित बल्दिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर स्टूडेंट्स पाकिस्तान भर से तलबा वालबात इस फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज में ओपन मेरिट सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं और डेफिनेटली उनके लिए अलग अलग सीट्स इसमें मौजूद हैं इसके साथ बात करता चलूं कि अगर आपके मार्क्स 70 परसेंट नहीं हैं तो आपके लिए एडमिशन लेना पॉसिबल नहीं होगा यानी जरूरी है कि आपके एफ प्री मेडिकल में सेवेंटी मार्क्स हो या इक्वल एजुकेशन में भी आपके सेवेंटी मार्क्स होना जरूरी है इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूं डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपने नम्स चलू कैट में 60 परसेंट मार्क्स स्कोर किए हैं तो आप एडमिशन के अहल होंगे इसके अलावा पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंशियल या स्टेट लेवल के टेस्ट में भी अगर आप 60 परसेंट मार्क्स रखते हैं तो आप ओपन मेरिट सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं अल्टीमेटली आपकी ओपन मेरिट सीट्स पे एडमिशन को आ, आ, जो एफजाइया मेडिकल कॉलेज है वो एक्सेप्ट करेगा या अगर आपके मार्क्स 60 परसेंट हैं तो और अगर हम बात करें फॉरेन ड्यूल नेशनल या ओवरसीज सीट्स की तो डियर स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो पाकिस्तानी सिटीजन्स जो फॉरन रेजिडेंट हैं उनके पास रिसेंट अपनी स्कूलिंग का जो से उनकी स्कूलिंग है उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है और इसके साथ साथ उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो सेवेंटी परसेंट मार्क्स रखते हो एफ एस सी प्री मेडिकल में या इक्वलेंट एग्जाम में और अगर उनका जो इक्वलेंट एग्जाम है वो अब्रॉड से है तो एटलीस्ट थ्री सब्जेक्ट्स जिसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स या मैथमेटिक्स उसमें भी आपके सेवेंटी परसेंट मार्क्स होना ज़रूरी है और अगर आप फॉरन क्वालिफिकेशन रखते हैं तो अल्टीमेटली आपको आई बी सी सी यानी इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी से आपको उसका इक्वलेंस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा और ख़ास बात यह है डी स्टूडेंट्स कि उनके लिए भी ज़रूरी है अगर आप फॉरन सीट्स पर ड्यूल नेशनल या ओवरसीज सीट्स पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर भी ज़रूरी है कि आप नम्स एम डी कैट में सिक्सटी परसेंट मार्क्स रखते हो या पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंशल या स्टेट लेवल के टेस्ट में भी सिक्सटी परसेंट मार्क्स हो तो आप एडमिशन ले सकते हैं इसके साथ साथ अगर आप सेट टू की बेस पर एडमिशन लेना चाहें तो आपके फाइव फिफ्टी मार्क्स होने चाहिए इन ईच सब्जेक्ट बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स और इधर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और अगर आप फॉरन एम केट की बेस पर एडमिशन लेना चाहें तो आपके फाइव हंड्रेड मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ फाइव ट्वेंटी एट डी स्टूडेंट्स लास्ट बट द लीस्ट मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप फॉरन ड्यूल नेशनल या ओवरसीज सीट्स पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशंसी का वैलिड सर्टिफिकेट होना जरूरी है फॉर एग्जाम्पल ये टॉफल या आइल्स का हो सकता है जिसमें आपके मिनिमम स्कोर जो है वो फाइव हंड्रेड या फाइव पॉइंट फाइव होंगे इसके अलावा आप नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज से एक साल का इंग्लिश प्रोफेसेंसी का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं ताकि आप फॉरेन नेशनल या ड्योल नेशनल या ओवरसीज सीट्स पे एडमिशन ले सकें रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने इर्द गिर्द तमाम ऑप्शन को कंसिडर करते हुए अपनी मेहनत को जारी रखेंगे ताकि आप अपने डिज़ायर्ड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकें और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें कीप वर्किंग हार्ड कीप स्ट्राइविंग एंड टेक केयर